मेरी जिंदगी वो शराब है। हाँ लेकिन जो आप मुझे इतना फोर्स कर रही है ना शादी करने के लिए, आपके डिसीजन से बेहतर है कि मैं वो करूं जो मुझे ठीक लगे और उससे शादी करूं जिससे मैं पहले से ही जानती हूं। रशीद को आज नहीं तो कल फांसी हो जाएगी, लेकिन फिर तुम, मेरा मतलब है मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मेरी जिंदगी वो शराब है। देखो फरहाना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो हमें उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहिए। तो आसमा बाजी, मैं कब कहती हूँ ऐसा ना हो। मैं तो बस इरम का भला चाहती हूँ। बस आप काशान का रिश्ता इरम के साथ पक्का कर लो। ऐसे कैसे कर लूं बिना काशान की मर्जी के? मैं जानती हूँ काशान इरम को पसंद करता है। तुम इतने दावे से कैसे कह सकती हो? क्यों, मेरी इरम में क्या कमी है? अरे बिल्कुल नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं है। इरम तो मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है। तो फिर? लेकिन मेरी पसंद से क्या होता है? काशान की मर्जी के बगैर तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना। तुम फिक्र मत करो, मैं बात करूंगी उससे। बस असमा बाजी, मुझे और किसी चीज की फिक्र नहीं है। मैं तो बस ये चाहती हूँ इरम का घर बस जाए और मुझे सुकून नसीब हो। अच्छा फरहाना, एक बात तो बताओ, ये इरम को तलाक क्यों हुई थी? वाजिब, अब क्या बताऊं? मेरी फूल सी बच्ची ने अपनी जिंदगी में इतने दुख देखे हैं। सरमद ने उस पर बहुत जुल्म किया। लेकिन तुमने इतनी बड़ी उम्र के आदमी से उसकी शादी क्यों की? अरे धोखा हुआ था हमारे साथ, दिखाया छोटे को और बारात आई बड़े की। निकाह के वक्त में क्या इनकार करती? ये तो है। मैंने तो आपसे कितनी बार कहा था कि इरम से काशान की बात पक्की कर लें, दोनों बहनें इकट्ठी हो जाएंगी। देखो देखो फरहाना, काशान की सारी आदतें तुमसे ढकी छुपी नहीं है। बेशक वो मेरे सारे फैसले मानता है, लेकिन जिंदगी गुजारने और जिंदगी का हम सफर चुनने की मैंने उसे पूरी आजादी दी हुई है। और मैं इस मामले में उस पर अपनी मर्जी थोपना नहीं चाहती। अब ये क्या बात हुई असमा बाजी? हम अगर अपनी औलाद को ऐसे फैसले करने की इजाजत दे देंगे तो वो तो खुदसर हो जाएंगे। मुझे अपनी औलाद पर और अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि काशान कोई गलत फैसला नहीं करेगा। मगर आप फिर भी एक बार काशान से बात करके तो देखें, हो सकता है वो मान जाए। ठीक है, मैं बात करूंगी उससे। नखरे तो देखो इसके, बेटा अच्छी जॉब पर क्या लग गया, खुद को पता नहीं क्या समझने लग गई। कैसे खर्चे कम करो अपने, घर से बिन बुलाए मेहमान। आप ही
खाना लग गया, आकर खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। आप कहें तो सर दबा लूं? तुम तो गले दबा दो मेरा, तुम्हारी वजह से मैं फिक्रमंद हो रही हूँ। बबली तुमने मुझे बहुत टेंशन दी। मगर आप भी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फिर तुम्हारी ये मशकूक हरकतें, ऊपर से मेहमानों का लश्कर, अकेली जान में क्या क्या करूं? उमर था तो मेरे एक बार कहने पर मेरा हर काम कर दिया करता था, और अब यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? चली जाओ, नहीं खाना वाना खाना मुझे, मैं खुद ही चली जाती। की टेंशन की अब समझ आया। काश के वो सब जो खाला ने कहा है सब झूठ होता, झूठ होता, ऐसा ना हुआ होता। क्यों शब्बो तुमने मुझे धोखा दिया? क्यों धोखा दिया शब्बो? अरे मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था शब्बो, बहुत। तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखना चाहता था। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें अपनी बेटी और बीवी पर तरजीह दी शब्बो। मैं तुम्हारी हर बात मानता था, फिर ऐसा क्यों किया? क्योंकि सिर्फ तुमने मेरा इस्तेमाल किया शब्बो, सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया। मेरे साथ मेरे साथ मेरी बीवी और बेटी का भी बहुत बुरा चाहा तुमने, बहुत बुरा सोचा। सामने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, क्या बिगाड़ा था हम सब ने तुम्हारा, जो तुमने हमारे हंसते बसते घर को खंडर बना दिया, खंडर बना दिया। तुम एक मिनट बात सुनो प्लीज, नाराज मत होना। जब से मैंने तुम्हें पहली मर्तबा देखा है तब से ही मुझे अच्छी लगती है। और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाओ। ये जानते हुए भी कि मैं उमर की बीवी थी, उसके बावजूद तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ, ये जानते हुए कि तुम उमर की बीवी थी। और मुझे फख्र है कि उमर जितना अच्छा इंसान था उसकी पसंद भी उतनी ही अच्छी। भी मेरा दिल नहीं मानता कि मैं अपने दोस्त की पसंद को इस तरह बेयारो मददगार छोड़ दूँ। बबली, एक औरत का इस तरह अकेले जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। और जिस प्रोफेशन से मेरा ताल्लुक है, आए दिन मेरे सामने ऐसे केसेस आते रहते हैं जिनको सुन के दिल दहल जाए।
अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे, लेकिन तुम्हारे और उनके लिए यही बेहतर होगा कि तुम उनकी जिंदगी में ही अपने लिए फैसला कर लो। अच्छा, तो आप मुझसे हमदर्दी करना चाहते हैं, तर्स खाकर मुझसे शादी करना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तर्स नहीं खा रहा, मोहब्बत जता रहा, इसका मुझे पूरा हक है। हाँ, अगर तुम्हें मेरी जगह कोई और पसंद हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारा साथ दूँ। ये साला नोमी कहां दफा हो गया? दफा हो गया यार। ओ यार, इसका मोबाइल भी आप जा रहा है, कल से फोन भी नहीं कर रहा खुद साला मुझे। बिना बताए कहां चला गया ये? अरे शबू का भी पता नहीं कहां है। सारे दिन की मां बहन करती, देख लेना सारा आए तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसको। सिर्फ बोलो। ओ तो तुम नहीं आए? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बस हाँ मैंने मामा को बता दिया था और ये भी कहा था कि सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। अच्छा चलो, तुम फोन तो बंद करो, मैं बाहर जाकर तो देखूंगी कौन आया कौन नहीं। ओके बाय। क्या हुआ, कुछ बोला उस लड़के ने? कहां सर, बहुत ही ढीठ हड्डी है। चलो फिर हमें भी दीदार करवाओ। हाँ सर। ओए साहब आए हैं। वो तो देख साहब आए हैं। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो साहब, मुझे जाने दो। प्लीज आपको बोलना कि मुझे फोन करने दे। तू 10 फोन कर ले तब भी तेरा कुछ नहीं होने वाला। जाने दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया, जाने दो साहब। ये मेरी खाना है। सलाम। और मामा से काम मेरी चुकी। वालेकुम सलाम। आई बैठी। आप तो बैठे हैं, मैं आती। फरहाना, खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, खैरियत है।
ऐसे फराना आपको पता है ना कि मैं किस मकसद के लिए आई। अगर फोन करके आ जाती तो ज्यादा अच्छा होगा। मैंने सोचा आना तो है तो वैसे ही चली जाऊं। वैसे आसिफ ने इरम को कॉल की थी ना, इरम ने आपको बताया नहीं? हाँ वो इरम ने बताया था मुझे। अच्छा ये बताएं चाय पियेंगी या ठंडा? बल्कि मेरा ख्याल है कि गर्मी है तो कुछ ठंडा मंगवा लेती हूँ। वैसे फरहाना बहन आप मेरी बात सुनेंगी, मैं आसिफ और इरम के रिश्ते के लिए आई हूँ। क्या इरम के शादी के सिलसिले में? फरहाना क्या तुम जानती हो इनके बेटे को? वो हाँ मैं आपको बताती हूँ, हमारा और इनका ताल्लुक बहुत पुराना है। आप लोग भी किन बातों को लेकर बैठ गई हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम इरम के बारे में सब कुछ जानती हो और फिर भी उसका रिश्ता लेकर आई हो। वैसे आपका बेटा क्या करता है? वो अपने पापा का बिजनेस संभालता है। दरअसल इरम और आसिफ पहले ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, बस कुछ हमारे ही जज्बाती फैसले थे जिसकी वजह से रिश्ता नहीं हो सका। फरहाना बहन तुम हमें माफ कर दे और हमें अपनी बेटी का रिश्ता दे दो। और वैसे भी ना मैं अपनी गलती सुधारने आई हूँ और इस बार इनकार नहीं सुनूंगी मैं। अगर तुम लड़के को जानती हो और उसके बैकग्राउंड के बारे में भी वाकिफ हो तो ये सोचने में कोई हर्ज नहीं। हाँ फरहाना, वैसे भी आसिफ और इरम को कोई इतराज नहीं और इस बार मैं इनकार नहीं सुनूंगी। मगर मैं इतनी जल्दी कैसे फैसला ले सकती? अरे ये कह तो रही है कि इरम और क्या नाम है इनके बेटे का, आसिफ, हाँ आसिफ एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर देर किस बात की है? यही तो, हमें तो सिर्फ फर्ज पूरा करना है, बाकी तो बच्चों के फैसले हैं। हाँ ठीक है, लेकिन मैं आपको फोन पर बता दूंगी। मगर फैसला मेरे हक में होना चाहिए। हाँ हाँ जरूर, मैं जरा किचन से होकर आती हूँ। अरे आप तो ऐसे ही बैठे, ये लीजिए कुछ तो लीजिए। बता मुंह खोलेगा या अपनी मती दुर्गत बनानी है? देख तेरी भलाई से तू सब कुछ सच सच साफ साफ बता दे। सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। चल बोल कौन है ये रशीद मिर्ची और क्या काम करता है? साहब मल्ले का मामूली साहब गुंडा है रशीद मिर्ची। काम क्या करता है? साहब फट्टू है, गरीबों से भत्ता लेता है। उसकी जात से किसी को कोई नुकसान नहीं। की जात से किसी को कोई नुकसान नहीं है तो ये उमर का क्या केस है?
मेरी जिंदगी।